नमस्कार मामा वर्षा में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, मतलब बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं कुछ क्लॉड डैपर के बारे में बताऊं। तो आज के इस वीडियो में हम सारी बात करने वाले हैं क्लॉड डैपर के, मतलब ये क्लॉड डैपर को यूज कैसे करना चाहिए, क्या क्या वेराइटीज होती है, कैसे वॉश करना चाहिए, बेनिफिट्स क्या होते हैं। मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में, बट अगर आपके पास कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका जरूर आंसर करूंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लॉट डायपर का बेनिफिट क्या है। जब मार्केट में इतने सारे डिस्पोजेबल डायपर अवेलेबल है, तो मैं क्लॉट डायपर ही क्यों पहनाऊं अपने बच्चे को? तो देखिए, इसके रीजन बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला रीजन कि आपके काफी पैसों को बचा देता है। देखिए, होता क्या है कि आप डिस्पोजेबल डायपर हर महीने ही खरीदोगे, हर महीने 600-800-1000 रुपए लगाओगे और एक पैक लेकर आओगे। बट क्लॉट डायपर के साथ क्या होता है, आपने एक बार अगर खरीद लिया तो आपके लंबे टाइम के लिए चलेगा। मतलब अगर आज आपका बच्चा 3 महीने का है, तो जब बच्चा 2-2.5 साल का भी हो जाएगा तब भी आप पहना सकते हो। इवन अगर आप सेकेंड बेबी का प्लान कर रहे हो, तो दूसरे बच्चे के लिए भी आप वो आराम से यूज कर सकते हो। दूसरी चीज क्या होती है कि देखो, जो डिस्पोजेबल डायपर है उसमें बच्चा पी करता है तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्चुअली उसमें क्या होता है, केमिकल्स यूज होते हैं, क्लोरीन यूज होता है, बट जो क्लॉट डायपर होते हैं वो नेचुरल फाइबर से बने होते हैं। यही रीजन होता है कि आप जब डिस्पोजेबल डायपर यूज करते हो तो वहां पर बहुत ज्यादा डायपर रैश होने की संभावना होती है, बट अगर क्लॉट डायपर में डायपर रैश नहीं होता है। और साथ में जो आपका क्लॉट डायपर होता है वो ब्रीथेबिलिटी होती है, उसमें कंफर्टेबल होता है बेबी के लिए। तो इस तरह से आप अगर क्लॉट डायपर के साथ जाएंगे तो आपके बच्चे के लिए बेस्ट रहेगा। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर कुछ डायपर्स ऑर्डर किए हैं ऑनलाइन, ये मैंने डायपर्स ऑर्डर किए हैं अमेजोन से। ये ग्रीन डायपर करके एक ब्रांड है, वो क्लॉट डायपर एक्चुअली बनाते हैं, ये वहां से ही मैंने ऑर्डर किया है। मैं ग्रीन डायपर्स के साथ क्यों गई, क्योंकि मुझे अमेजोन में उनकी ही रेटिंग सबसे अच्छी लगी थी। मतलब कई कस्टमर्स ने तो 5-स्टार रेटिंग दी है, और अगर आप रिव्यूज पढ़ेंगे तो काफी रिव्यूज में लिखा हुआ है कि ये लीक प्रूफ है, डायपर रैश नहीं हुआ है। जिन भी कस्टमर ने इन डायपर्स को यूज किया है, उनके बच्चों को डायपर रैश नहीं हुआ है। इस वजह से मुझे इसकी रेटिंग सबसे अच्छी लगी, तो मैंने ग्रीन डायपर परचेस किया। अच्छा, आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि मेरी बेटी तो अभी नन्नू 2 साल की हो गई है, तो मैंने अभी डायपर क्यों मंगाया है। तो एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ का लास्ट मंथ ही बेबी बॉय हुआ है, तो हमें सिंस उनके लिए गिफ्ट्स एंड ऑल भेजना होता है, तो मैंने इस वजह से एक्चुअली क्लॉट डायपर मंगाए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 डायपर्स हैं, ये तीनों अलग अलग तरीके के डायपर्स हैं, बट इसमें से जो ये एक डायपर है, ये इसको हम AIO बोलते हैं। मैं अभी अलग से आपको बताऊंगी हर एक डायपर की क्वालिटी की कैसे यूज करना है, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ये वाला डायपर है, इसे हम AIO बोलते हैं, ऑल इन वन डायपर। तो ये इसका मैंने एक और दूसरा पीस मंगाया है, तो वो मैं नन्नू के लिए यूज करती हूँ रात के लिए। तो अब बात करते हैं इन अलग अलग डायपर्स की, कि कैसे यूज करना होता है और कैसे बच्चे को ये पहनाना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कवर डायपर की। ग्रीन डायपर से मैंने जितने भी डायपर मंगाए हैं उसमें सामने ये स्नैप या बटन दिए गए हैं, जिनकी हेल्प से हम बच्चे के वेट के हिसाब से इन डायपर्स का साइज़ बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके साथ मुझे चारकोल बैम्बू इंसर्ट आया हुआ है। अच्छा, जिन्हें नहीं पता मैं उनको बता दूं कि जितने भी क्लॉट डायपर होते हैं उनके साथ हमें एक इंसर्ट आता है। इंसर्ट का काम ही यही होता है कि बच्चे ने अगर पी कर ली है तो ये उसको एब्जॉर्ब करता है। मटेरियल की बात करूं तो दोनों साइड से ये वाटरप्रूफ मटेरियल है, मतलब कि अगर बच्चे ने पी कर ली है तो आपको केवल इंसर्ट को धोना होता है। आप कभी कभार चाहें तो डायपर कवर को केवल वाइप करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दोनों साइड पर इंसर्ट में स्नैप दिए गए हैं, जिन्हें हमें डायपर कवर से अटैच करना होता है और फिर इसे हमें बच्चे को पहनाना होता है। अच्छा, जो ये कवर डायपर होते हैं ये बेस्ट होते हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए, क्योंकि एक्चुअली ऐसे बच्चे जिनके पैर थोड़ा पतले हैं उनको ही हमें पहनाना होता है इन कवर डायपर को, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम होता है, पतले पैरों के लिए ही होता है। ओके, कई बार होता है कि बच्चा पॉटी कर लेता है और पॉटी उसकी बाहर नहीं निकल पाए, इसके लिए इन डायपर्स में हमें डबल इलास्टिक दी गई है। आप यहाँ देखेंगे ये इस डबल इलास्टिक की वजह से ये बच्चे के पैर में फिट रहेगा और जो भी पॉटी है तो वो बाहर नहीं आएगी। इस डायपर को आप बच्चे को दिन में पहना सकते हो, ये 3-4 घंटे तक की आराम से चलेगा। अभी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में कि इसे कैसे हमें बच्चे के वेट के हिसाब से इसे छोटा या बड़ा करना होता है, वो हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं सेकेंड डायपर की, ये है पॉकेट डायपर। पॉकेट डायपर में जो इंसर्ट आया हुआ है ये है माइक्रोफाइबर इंसर्ट। इस डायपर को पॉकेट डायपर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आप देखोगे यहाँ पर ये पॉकेट जैसा बना होता है और इस पॉकेट में ही हमें इस इंसर्ट को डालना होता है। अच्छा, पॉकेट डायपर के साथ ये होता है कि अगर बच्चे ने इसे गंदा कर दिया है तो आपको दोनों ही धोना पड़ता है, डायपर भी धोना पड़ता है और इंसर्ट भी धोना होता है। अभी हम ये बात करेंगे वीडियो के एंड में कि इन क्लॉट डायपर को हमें किस तरह से धोना होता है, हैंड वॉश और मशीन वॉश कैसे करना होता है।
तो ये इस तरह से सेट हो चुका है और इसे हमें बच्चे को पहनाना होता है। अगर हम इसकी मटेरियल की बात करें तो ये जो मटेरियल है ये दोनों साइड से वाटरप्रूफ मटेरियल है। ये आप देख सकते हो जो अंदर का मटेरियल है ये स्टे ड्राई मटेरियल है और जो बाहर का मटेरियल है वो भी वाटरप्रूफ मटेरियल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ स्नैप्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग इसका साइज़ बढ़ा या घटा सकते हो। अच्छा, ये डायपर जो है ये दिन में आप यूज़ कर सकते हो, 2-3 घंटे तक की आराम से चलेगा। एक और चीज़ जो बच्चे बार बार पॉटी करते हैं उनके लिए बेस्ट होता है क्योंकि ये जो मटेरियल है इससे पॉटी बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। तो ये थी बात पॉकेट डायपर की। अब बात करते हैं तीसरे डायपर की जो कि है AIO ऑल इन वन डायपर। इसके साथ भी कुछ बटन्स आए हुए हैं जिससे कि आप इसका साइज़ बढ़ा या घटा सकते हो। इसके साथ हमें 2 इंसर्ट आए हुए हैं। पहला इंसर्ट तो ये जो है हेम्प इंसर्ट है, इसका आप देख सकते हो येलोइश कलर है। और दूसरा जो इंसर्ट है जो कि पॉकेट डायपर के साथ था ये है माइक्रोफाइबर इंसर्ट। तीसरा इंसर्ट इसमें स्टिच्ड होके आता है, ये आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये जो डायपर है ये 3 लेयर प्रोटेक्शन देता है और ये पूरी रात के लिए आप आराम से यूज़ कर सकते हो। 12 घंटे तक की आप इसे यूज़ कर सकते हो, बीच में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं नन्नू के लिए भी यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैं इसको दावे के साथ कह सकती हूँ। अच्छा, अगर आप चाहो दिन में अगर यूज़ करना चाहो तो आप केवल ये हेम्प इंसर्ट यूज़ कर सकते हो और बच्चे को दिन में पहना सकते हो। या अगर आप चाहो बच्चे को अगर पॉटी ट्रेनिंग देना चाहते हो तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो। जो इसके साथ स्ट्रिच्ड होकर आया है इंसर्ट वो काफ़ी रहेगा डे टाइम के लिए। अगर बच्चे को थोड़ा गीला भी फील होगा तो वो बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग में काम आएगा। तो ये बात थी AIO डायपर की। अब हम देखते हैं कि हमें इन डायपर्स को बच्चे को कैसे पहनाना होता है। तो अभी मैं यहाँ पर डेमो के लिए टेडी लिया है मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी मैं इसका साइज़ जितना आया हुआ है उतना ही पहना रही हूँ, इसे हम छोटा नहीं कर रहे हैं। तो इसको आपको जस्ट इसको लगाना है बच्चे के वेस्ट पे और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 स्नैप हैं। तो इसे आप बच्चे की वेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से आपको इसे यहाँ पर अटैच करना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड से अटैच करेंगे। तो आपको बस इसका ये ध्यान देना है कि ये बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रहे और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं रहे। जब ये अच्छे से अटैच हो जाएगा उसके बाद आप इस चीज़ को यहाँ पर आपको इसको अच्छे से सेट करने की ज़रूरत है जिससे कि ये बच्चे को गड़े नहीं, जो कि ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। और दूसरी चीज़ आप ये जो यहाँ पर बैक साइड पे ये ज़रूर चेक करिएगा जो बच्चे का इंसर्ट है उसमें इतना डिस्टेंस ज़रूर रहे, अदरवाइज़ बच्चे का जो कपड़ा है वो गीला हो सकता है, टी शर्ट वगैरह वो गीली हो सकती है। इस तरह से इसे आप पहना सकते हो। अब बात करते हैं इसका हम साइज़ छोटा करके इसे कैसे पहना सकते हैं बच्चे को। तो यहाँ पर हम इस डायपर का जो ये इंसर्ट है ये एक साइड से यहाँ से निकाल देंगे और यहाँ आप देखोगे यहाँ पर ये स्नैप्स दिए गए हैं। अगर आपको बहुत छोटा साइज़ करना है तो आप इस वाले बटन को इससे अटैच करोगे और थोड़ा कम छोटा करना है तो यहाँ से बीच वाले को टॉप वाले से करोगे। तो अभी मैं बहुत छोटा साइज़ का बना रही हूँ तो ये आप देखोगे मैंने बॉटम वाले बटन को टॉप वाले बटन से अटैच किया है। और जो ये इंसर्ट है, इंसर्ट को आप देखोगे ये थोड़ा बड़ा है तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा फोल्ड कर देंगे जो कि डायपर कवर के बराबर का ही रहेगा, उससे बड़ा नहीं रहेगा। फिर हम इसके बाद इसे बच्चे को पहनाएंगे तो जो छोटा बच्चा है उसके लिए बिल्कुल फिट होगा। इस तरह से अगर आपने अपने छोटे बच्चे के लिए डायपर लिया है तो आपका जब बच्चा 2-2.5 साल का भी हो जाएगा तब भी वो डायपर आपको काम आएगा। फिर बस हमें ये स्नैप्स जो दिए गए हैं साइड में इसे हमें अटैच कर देना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बहुत लूज़ या टाइट नहीं रहे, बच्चे को कम्फर्टेबल रहें, बहुत ज़्यादा टाइट मत पहनाइएगा। और हमने इसे दोनों साइड से अटैच कर दिया है और इसे हमें जो ये थाई एरिया है यहाँ पर अच्छे से फिट करना है और बैक साइड पे भी आपको ये ज़रूर चेक करना है और मेक श्योर करना है कि ये इंसर्ट बहुत ऊपर से नहीं लगा हो, थोड़े डिस्टेंस पे हो जिससे कि बच्चे की टी शर्ट या कपड़े गीले नहीं हो। अब देखते हैं कि इन डायपर्स को हमें वॉश कैसे करना है। तो वॉश करने के लिए अगर आपके बच्चे ने पॉटी करी है डायपर में तो उस पॉटी को तुरंत ही साफ़ करिए, फिर एक आपको इसे एक ओपन बकेट में स्टोर करके रखना है। या अगर बच्चे ने पी कर ली है तो इसे आपको अच्छे पानी में धोकर और इसे ओपन बकेट में रखना है। इसे आप वॉश या तो मशीन वॉश भी कर सकते हैं या हाथ से भी वॉश कर सकते हैं। मशीन वॉश करने के लिए आपको प्री वॉश करना है पहले 15 मिनट तक की इन डायपर्स को जिससे कि इनकी पी निकल जाए। फिर इसके बाद आपको रेगुलर डिटर्जेंट लेना है, उसे 45 से 60 मिनट तक की वॉश करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको फैब्रिक सॉफ्टनर या डिटॉल यूज़ नहीं करना है और इसे आपको धूप में सुखाना है। धूप में सुखाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसे हाथ से धो रहे हैं तो पहले आपको साफ़ पानी से 3-4 बार धोना है जिससे कि इसकी पी निकल जाए। फिर हम जिस तरह से रेगुलर कपड़े धोते हैं वैसे ही धोना है नॉर्मल डिटर्जेंट से। इसके लिए आपको फैब्रिक सॉफ्टनर या डिटॉल यूज़ नहीं करना है। फिर इसके बाद आपको इसे धूप में सुखाना है। सो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, हमें कॉमेंट करके पूछिए, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी। तो वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।